ये देखिए, 1000 रुपए किलो की मिठाई आप घर पर केवल 300 रुपए में बना सकते हैं। ये देखिए, ये ना गुड़ है ना शक्कर है, बिना मीठे के हमने ये मिठाई बनाई है। तो आप भी इस दिवाली पर ये मिठाई बनाकर खाइए और खिलाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिठाई बनाना। आज कार्वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खजूर रोल। तो खजूर रोल के लिए हमने ये काजू चॉप करके रखे हैं, ये बादाम हैं चॉप करे हुए, ये अखरोट है और ये पिस्ता है और ये खसखस है, ये आधा कप के करीब खसखस है। दर्दरा। ये हमने खजूर की गुठलियां निकाल के रख ली है, ये गुठलियां अलग रखी है खजूर की। अब इसको हम मिक्सर में पीसेंगे दरदरा। ये मिक्सर में हमने पीसा है लेकिन अच्छे से पिसाया नहीं है, तो रुक रुक के पीसना है। अब ये खजूर हमारे अच्छे से पिस गए हैं, अच्छे से पीस लिया है हमने इनको। इसमें पानी या दूध नहीं डालते हैं, नहीं तो मिठाई क्या, क्योंकि जल्दी इसमें मॉइस्चर लग जाता है और फफूंद आ जाती है, इसलिए पानी और दूध ना डालें। अब इसमें हम 1 चम्मच शुद्ध घी डाल रहे हैं, ये घर का बना हुआ घी है। इसमें हम खस को डाला है और इसको सेकेंगे। इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, कम घी में सेक सकते हैं, या फिर इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप घी में सेकना ना चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इसकी केवल थोड़ी सी नमी दूर करनी है, ज्यादा इसको सेकना नहीं है। ये खसखस सिक गई है, इसको हमने निकाल लिया है एक थाली में। अब 1 चम्मच घी डालेंगे हम। हमने ये काजू बादाम और पिस्ता और अखरोट ये सब चॉप करके रखे, इनको हम सेकेंगे। आंच को हमने बिल्कुल धीमा करा है, धीमी आंच पर इसको हम रोस्ट कर रहे हैं और हल्का भूरा होने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। अभी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये खजूर हमने पीस के रखे हैं, इनको 1 चम्मच घी डाल के और इसको भी हम सेक लेंगे। इसको हमको सेकना नहीं, केवल इसको थोड़ा सा नरम करना है गरम करके। ये लगभग हमारा खजूर का जो पेस्ट है ये अच्छे से नरम हो गया है। हमने गैस बंद कर दी है, अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट से डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी गरम है इसलिए हाथ से नहीं कर सकते, इसको खोते से ही करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं। इनको जो हमने ये ड्राई फ्रूट से डाले हैं तो इनको गरम में ही डाल के और चिपकाना पड़ता है, वरना फिर ये बाद में जब ठंडा हो जाता है खजूर तो फिर अच्छे से चिपकते नहीं है। इनको हमने बराबर 2 भागों में बांट दिया है। अब इसका हल्के हाथ से रोल बनाएंगे। ये मिठाई बनाने में बहुत आसान है और इसमें ज्यादा घी तेल नहीं लगता है, तो इस दिवाली पर आप ऐसी ये मिठाई बनाइए और खाइए। ये हमने एक रोल तो बना लिया है, अब ये दूसरा रोल बना रहे हैं। ये जो मिठाई है ड्राई फ्रूट्स वाली, ये बाजार में 1000 रुपए किलो मिल रही है और घर पे बनाने पर आपको आधे दाम में आप घर पर आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसी मिठाई आप घर पर बनाकर और दिवाली का त्योहार मनाइए। खस सेक के रखी थी, इसमें हम ये रोल को लपेटेंगे।
ये खस लपेटने से ये क्या सोंधापन आ जाता है और खाने में फिर ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए पूरा हमारा खस ये आराम से अच्छे से चिपक गया है। दूसरा रोल भी हम ऐसे ही इसमें लपेट लेंगे। ये देखिए ये हमारा खजूर रोल बन गया है। ये रोल ठंडा हो गया है और बटर पेपर नहीं था तो इसको हम प्लास्टिक की थैली में लपेट के थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। ये इस तरह से अगर बटर पेपर ना हो तो ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छोटे छोटे पीस में रोल में काट लेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।